जो हमन लिख बताया, हमने भी केकड़ा सिंघी और इलायची वाला और जो दीपक बनाया, इससे निगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। ग्रहों के लिए ये हनुमान जी की प्रक्रिया करेंगे। 108 लौंग का जोड़ा कि अगर कोई कुल देवता उसका बिगड़ा होगा तो काली माता के 108 लौंग का जब जोड़ा हर शनिवार को चढ़ेगा काली माता में और लड्डू का भोग लगेगा तो काली माता के जरिए कुल देवताओं की शांति हो जाएगी और कुल उसको जड़ी पीस के पिलवाएंगे कि वो जड़ी जैसे वो पिएगा तैसे वो अंदर दबा जाएगी और उस खिलाई पिलाई चीज को निकालेगी, पलटी होगी, बाहर लाएगी उसको और लेकर के और दिखाई भी देगी और ठीक उसी समय से उसको आराम भी लग जाएगा। और ठीक नामक दीपक जहां चालू होगा तो पृथ्वी लोक में जितनी भी सैतानी शक्तियां होंगी उनको जाना ही पड़ेगा। बताया हुआ था, बहुत सारे लोग कमेंट करते रहते, कमेंट बॉक्स में मैं उनके देखता हूं तो लोग बोलते रहते कि भाई साहब हमने तो हम वहां पर गए थे और हमने उसी तरह क्रिया विधि की, हमने दीपक भी जलाया फिर भी हमें लाभ नहीं हो रहा, तो क्यों आप झूठ बोल रहे हैं? हाँ ये बात ठीक बोल रहे हैं, पर उनको भी सोचना चाहिए कि दीपक से नेगेटिव शक्ति खत्म होती है, पॉजिटिव शक्ति आती है, परंतु रोग नहीं खत्म होते हैं, पितर नहीं खत्म होते हैं। पितरों का पूर्ण अधिकार होता है, जो वंशज के होते हैं उनको कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो पितरों को दबा सके या रोक सके। पितर तो अपना प्रभाव करेंगे ही, तो पितरों को शांति करने के लिए पिंडदान ही उचित होता है और पिंडदान जो कोट वर्ग के साथ जानते हैं वही शास्त्र में शिव पुराण में और शिव पुराण के में अंतिम पे लिखा हुआ है कि सारे धामों गया इलाहाबाद अन्य तीर्थों में या त्रिपिंडी जहां जहां होती है विश्वनाथ में कहीं भी अगर जब मुक्ति नहीं मिलती आत्मा की या पितृ शांति नहीं होते हैं और उसको आराम नहीं होता है तो नैमी शरण धाम जाए। नैमी शरण अंतिम धाम है, जो छोटे हुए आत्माएं होती हैं वही मुक्त होती हैं, क्योंकि वहां श्री रामचंद्र जी की हत्या लगी थी रावण वध में, तो नैमी शरण धाम में हत्यारा कुंड में स्नान करके गोदान करके वो भी वहीं से मुक्त हुए थे। नैमी शरण के अलावा गोमती है, गोमती में तहत पिंड दान कोट के साथ करें, क्योंकि 5 अंक का कोड होता है, जो अगर कोड मालूम है तो कोड के तहत पिंड दान करने से आत्मा की मुक्ति हो जाती है और वो कोड 5 अंक का होता है, जब कोड पंडित वहां के डलवाएंगे तो वो कोट कुसा से और चंदन से पहले नीचे लिखा जाएगा, फिर पिंड को रखा जाएगा, इसके बाद पिंडदान होगा, फिर पानी में वो कोट डाला जाएगा, इसके बाद वहां डाल दे तो मुक्त हो जाएंगे वो। पिंडदान करने के लिए नैमी शरण ही उचित है और वहां दधीच महाराज ने अपनी हड्डियां रखे हैं, वहां दधीच कुंड है, वहां स्नान करने से नेगेटिव शक्ति वहां भी जाती है। ऐसे चारों धामों समय पे ललिता माई के दर्शन करते हुए अगर वहां करते हैं तो पिंडदान की समस्या वहां से छूट जाएगी। तो जब किसी को दीपक से आराम ना लगे तो नैमी शरण धाम जाकर के पिंडदान करें। अगर पिंडदान से उसको आराम कम लगता है तो शनि की महादशा होती है, जो किसी दशा में नहीं ठीक होती, तो शनि की महादशा के लिए हम अकौवा भी बोलते हैं, मंदार भी बोलते हैं। उस अंदार मंदार या अकौवा में 108 पत्ते में सीताराम लिखना है और सीताराम लिख के माला बनाना है और वो हनुमान जी में जो है शनिवार के दिन पहनाना है, हनुमान जी को चोला चढ़ाना है, हनुमान जी की विनती करना है। जब ये और लौंग 108 लौंग के जोड़ा का माला बना के काली माता में पहनाना है और हनुमान जी में 108 हनुमान जी में रात 11 बजे सुंदरकांड का पाठ करना है। अच्छा तो ये कितने दिनों तक ये एक निरंतर ग्रहों की सुधार के लिए 21 शनिवार तक लगातार होना चाहिए। तो जो ग्रह की कोई भी ग्रह की महादशा इससे कंट्रोल हो जाएगी। जब कोई भी ग्रह की 21 से आराम लगना चालू हो जाएगा, आगे जितना निरंतर करेगा उतना होता जाएगा। तो ये निरंतर करता तो ग्रह की दशा ठीक हो जाएगी इससे। और इसमें जो नेगेटिव ऊर्जा जो हमन लिख बताया, हमने भी केकड़ा सिंघी और इलायची वाला और जो दीपक बनाया, इससे नेगेटिव ऊर्जा खत्म होती है। ग्रहों के लिए ये हनुमान जी की प्रक्रिया करेंगे और हाँ सुंदरकांड करेंगे तो इसमें ग्रह शांति। जो पीपल में 100 ग्राम शक्कर और एक लोटा जल में डाल करके और पीपल में दक्षिण मुकर के चढ़ाना उत्तर मुकर के चढ़ाना है शनिवार को, और शाम को सरसों के तेल का दीपक 100 ग्राम शक्कर एक लोटा जल में डालकर उत्तर मुकर के पीपल में चढ़ाना है सुबह जल, शाम को एक सरसों के तेल का दीपक जलाना है और उस तेल सरसों के तेल के दीपक में काला तिल, लोहा और 1 रुपया लोहे के कील ये सब डाल करके और दीपक उत्तर मुकर के जलाएंगे। लगातार 21 जब होगा तो आराम मिलना चालू हो जाएगा, जितना आगे करते रहेंगे उतना ज्यादा उनको फायदा होता रहेगा। तो ये हो गई शनि की क्रिया और काली माता की क्रिया, इसलिए बताई जाती है 108 लौंग का जोड़ा कि अगर कोई कुल देवता उसका बिगड़ा होगा तो काली माता के 108 लौंग का जब जोड़ा हर शनिवार को चढ़ेगा
काली माता में और लड्डू का भोग लगेगा तो काली माता के जरिए कुल देवताओं की शांति हो जाएगी और कुल देवता उसके शांत आ जाएंगे। कुल देवता शांत हो जाएंगे तो पूरे घर परिवार में अपने आप समृद्धि आ जाएगी। और कोई नैमी साण धान नहीं जा सकता है तो उसका भी उपाय है, एक लोटा जल में पानी वाला नारियल, दो लौंग, पंचमेवा, दूध, दूब, चावल, एक लोटा जल में सब डाल लेना है और पीपल में दक्षिण दिशा का मुंह करके अमावस्या को सुबह चढ़ाना है और शाम को घी का दीपक लगा देना। मतलब आप नहीं जा सकते हैं यदि वहां तक तो आप ये घर पर भी कर सकते। अगर ये नहीं कर जा सकते हैं तो पीपल का पेड़ ढूंढना पड़ेगा, पीपल के पेड़ पे अमावस्या के दिन सुबह एक लोटा जल में दो एक, एक पानी वाला नारियल, दो लौंग, पंचमेवा, दूध, दूब, चावल ये सब लेकर के और पीपल में दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके चढ़ाना है और बोलना है ब्रह्म देवता हमारे पितरों को शांति और मुक्ति प्रदान करें। ये क्रिया निरंतर 12 बार होना है, हर महीने में एक बार करना है, हर महीने में एक बार करना है और 12 एक साल तक करनी है, एक साल तक है, 12 महीने तक करना है तो पितर शांत हो जाएंगे। इससे एक ये पितर शांति का, एक नैमी साण का है, कुल देवताओं के लिए काली माता की क्रिया है और वहां पर जो हनुमान जी की क्रिया ग्रह की इसलिए है, हनुमान जी से अच्छे अच्छे ग्रह ठीक हो जाते हैं और रतन से भी होता है, रत्नों का कई तरह विजन होता है पर ब्रह्म नामक दीपक से निगेटिव शक्ति पक्का है कि खत्म हो जाती है। हाँ, इन क्रियाओं को करने के बाद अब कौन सी समस्या नहीं ठीक होगी अब हम बताने जा रहे हैं वो। तो अब इन क्रियाओं को करने के बाद अगर नहीं ठीक हो रहा तो सबसे पहले दो क्रिया, अगर किसी ने लाग दिनाय, आजकल छोटे मोटे तांत्रिक हैं जो चंद्र रुपयों के लालच में, 500,000 रुपयों के लालच में वशीकरण बना करके, वशीकरण दिनाई बना करके उसको खिला देती हैं। अगर वशीकरण दिनाई किसी माँ बहन को खिला दी गई, कोई लड़की को खिला दिया गया तो फिर उसमें कोई दंत्र, कोई मंत्र, कोई जंत्र, कोई क्रियाएं नहीं काम करेंगी, टैबलेट गोली नहीं काम करेगी, हमारी मंत्र शक्ति भी नहीं काम करेगी। इसके लाने जिस तरह वो तंत्र खिलाया गया है तो सबसे बड़ी पहचान क्या है उसकी, कि सबसे पहली पहचान ये है कि किसी लेडीज को अगर पेट में, लेडीज के बाएं साइड में और पुरुष के दाहिने साइड में दर्द होगा और चुभन होगी उसको, जैसे सूजी चुभते हैं ना ऐसे चुभन होगी और दर्द होगा, अब ये दर्द कभी कभी होगा, किसी के ज्यादा ज्यादा होगा, किसी को परमानेंट होगा और किसी को 2-4 दिन 5 दिन में होगा, पेट टाइट रहेगा और दर्द हमेशा होता रहेगा और शरीर भारी रहेगा। अगर ऐसे लक्षण किसी भी लेडीज या पुरुष या स्त्री या कोई लड़की को हो रहा है तो इसका मतलब समझ लेना उसको दिनाई खिलाई पिलाई गई है और उस दिनाई खिलाई पिलाई में हमारा दीपक नहीं कार्य करेगा, ना कोई हवन करेगा, ना नैमी साण की क्रिया काम करेगी, ना कोई दवाई काम करेगी, तो उस अवस्था पे हमारे आश्रम आना पड़ेगा उसको। हम यहाँ से ऐसी उसको जड़ी पीस के पिलवाएंगे कि वो जड़ी जैसे वो पिएगा तैसे वो अंदर दवा जाएगी और उस खिलाई पिलाई चीज को निकालेगी, पलटी होगी, बाहर लाएगी उसको और लेकर के और दिखाई भी देगी और ठीक उसी समय से उसको आराम भी लग जाएगा और ठीक भी हो जाएगा। पर वो जड़ी केवल हम हमारे यहाँ मिलेगी और हम अपने हाथों से जब मंत्र शक्ति के द्वारा उस जड़ी को कस करके और ठीक लगाई जाएगी तभी उसको होगा। मंत्र शक्ति नहीं हो तो ईश्वर की कृपा, ये सिद्ध भाव की कृपा है कि सिद्ध भाव की साधना के द्वारा उसको देवताओं का आह्वान, हनुमान जी का ध्यान की करके जब उसको किया जाएगा तो उसको जल्दी उसको फायदा होगा और फायदा होने के बाद जो है फिर वो दीपक चालू करेगा, जब उसको खिलाया पिला निकल जाएगा तब फिर उसके बाद वो दीपक की सारी क्रिया वैसे ही चालू, फिर दीपक चालू करेगा तो उसको निगेटिव शक्ति जो बची होगी वो खत्म हो जाएगी, राहत हो जाएगी। हाँ, क्योंकि मेन ट्रांसफार्म होता है, ट्रांसफार्म ही हर जगह करंट देता है, अगर हम ट्रांसफार्म को ही खत्म कर देंगे तो करंट खत्म हो जाएगा। ठीक उसी तरह वो खिलाई पिलाई चीज ट्रांसफार्म की तरह होती है, जब वही चीज निकल जाएगी तो फिर वो अपने आप राहत हो जाएगी। इसलिए अगर कोई कोई व्यक्ति कहता है कि महाराज जी की क्रिया करने पर दीपक से नहीं लाभ हुआ तो इसका मतलब है कि उसको खिलाई पिलाई गया। अगर खिलाई पिलाई नहीं है तो तंत्र क्रिया अगर कोई बार बार करता होगा तो उसमें भी हमारे दीपक रोकेगा पर जल्दी कारगर नहीं, उतना कारगर नहीं करेगा। तो उस तंत्र क्रिया जो करते हैं लोग उनको ठीक करने के लिए बंगला मुखी नाम का कवच, स्पेशली कवच है हमारे पास जो सदियों पुराना है, वेदोक्त उक्त है और थोड़ा बड़ा है। उस कवच को मैं फोटो सेंड करूंगा, उस फोटो में देख करके लोग 21 बार सुबह स्नान करके शुद्ध अवस्था पे कवच का आह्वान करते रहें, धीरे 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 धीरे
कवच के प्रभाव से तंत्र क्रिया लोगों की खत्म हो जाएंगी और दीपक भी चलता रहेगा और वहाँ बंगलाओं की कवच भी चलता रहेगा तो धीरे धीरे नष्ट हो जाती है, पूरी तरह से आराम हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो अकट होते हैं, फिर वो आश्रम अगर हमारे आश्रम आएंगे तो आश्रम से समाधान बताया जाएगा कि हमको क्या करना है। पर जो खिलाई पिलाई बारों में हमने इतना रिसर्च किया है, लोग इतना करते हैं तो कोई परेशानी नहीं है और उनको हल होगी, समस्या अच्छी होगी। इसके मौजूद में कुछ जड़ियां होती हैं रोगों के लिए, अगर उसके शरीर में रोग है, कोई भूत प्रेत नहीं है, कोई शक्ति नहीं है, तो रोग में हमारा दीपक नहीं काम करेगा। अगर रोग जैसे समलवायी है और समलवायी के अलावा 84 प्रकार की गैस होती है, अब 84 प्रकार की गैस में ना तो मंत्र चलेगा और ना तो दीपक चलेगा, ना हवन चलेगा, ना पलटी चलेगी। उस